हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट अंजलि राठौर पर। मैं अंजलि राठौर, आज के इस लेसन में हम भारतीय चित्रकार जामिनी रॉय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जामिनी रॉय भारतीय चित्रकार थे, ये एक लोक कलाकार थे। दोस्तों, सन 1955 में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया था। जामिनी राय अवनींद्रनाथ ठाकुर के सबसे प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। इनका जन्म पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने अपने जीवन काल में लोक चित्रण काफ़ी किया हुआ है। जामिनी रॉय लोक चित्रण में काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की थी और कई महान कृतियों का निर्माण किया था। कई पेंटिंग्स बनाई थी। चलिए दोस्तों, अब हम जामिनी रॉय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जामिनी रॉय का जन्म 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बोलिया तोड़ नामक गांव में हुआ था। तो जामिनी रॉय का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1887 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले में बोलिया तोड़ नामक गांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता राम रतन राय एक उच्च जमींदार एवं शिल्प प्रेमी थे। दोस्तों, जामिनी राय के पिताजी का नाम था राम रतन राय। वो एक उच्च जमींदार और एक शिल्प प्रेमी थे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में जामिनी राय ने कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया। 1903 में जामिनी राय जब 16 वर्ष की आयु में थे तो उन्होंने कलकत्ता में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया था। इनके हृदय पटल पर ग्रामीण परिवेश व रंगों की छाप होने के कारण इनका मन पश्चिमी कला पद्धति पे नहीं रंग पाया और डिप्लोमा प्राप्त किए बिना ही विद्यालय छोड़ दिया। दोस्तों, जामिनी राय का जन्म गांव में हुआ, इनका बचपन गांव में बीता है। ग्रामीण परिवेश को अच्छी तरह देखा और समझा है जामिनी राय ने, इसीलिए इनके हृदय पटल पर ग्रामीण परिवेश व रंगों की छाप होने के कारण इनका मन पश्चिमी कला पद्धति में नहीं रम पाया, अर्थात इनका मन पश्चिमी कला में नहीं लगा, इसलिए इन्होंने डिप्लोमा प्राप्त किए बिना ही विद्यालय को छोड़ दिया था। इन्होंने डिप्लोमा की डिग्री नहीं ली थी और उसके बिना ही विद्यालय को छोड़ दिया था। दोस्तों, प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन उनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं। जामिनी रॉय के प्रधानाचार्य पर्सी ब्राउन उनके प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे हैं। स्वतंत्र लोक चित्रण के प्रति लगाव। प्रारंभ में पोर्ट्रेट पेंटिंग की दुकान खोली थी, लेकिन नकल उतारने की प्रवृत्ति से लगाव नहीं था। दोस्तों, जामिनी रॉय ने प्रारंभ में पोर्ट्रेट पेंटिंग की दुकान खोली थी, लेकिन नकल उतारने की प्रवृत्ति उन्हें अच्छा लगा नहीं था, इसलिए परंपरावादी कला को सीखा था। क्योंकि उन्हें नकल उतारना पसंद नहीं था। उन्होंने सबसे पहले पोर्ट्रेट की दुकान खोली थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने लोक चित्रण सीखा था।
जामिनी रॉय की दृश्य कला में भी रुचि रही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जामिनी रॉय की दृश्य कला में भी रुचि रही है लोक चित्रण के अलावा। ये पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से प्रभावित रहे। जामिनी रॉय पश्चिमी कलाकार वान गो व माने से प्रभावित रहे हैं। कला के अनेक प्रयोग किए, जामिनी रॉय ने कला के अनेक प्रयोग किए थे। भगवान बुद्ध को चीनियों के ढंग से बनाया। रंग कौन कौन से उपयोग किए थे उन्होंने? लोक कला के लगाव के कारण लाल, पीले, नीले, काले व भूरे रंग भड़केले व चटक रूप में प्रयोग किए थे जामिनी रॉय ने। तो दोस्तों लोक कला के लगाव के कारण ही उनके हृदय पटल पर इसीलिए उन्होंने लाल, पीले, नीले, काले व भूरे रंग भड़कीले व चटक रूप में प्रयोग किया था उन्होंने अपने चित्रण में। लोक जीवन व लोक कला से प्रेरणा। 1920 के बाद कुछ वर्षों में कला के नए रूपों की तलाश की 1920 के बाद कुछ वर्षों में कला के नए रूपों की तलाश शुरू कर दी थी जामिनी रॉय ने। 1920 के बाद ग्रामीण दृश्यों और लोगों की खुशियों को प्रकट किया था 1920 के बाद ग्रामीण दृश्यों और लोगों की खुशियों को प्रकट करने वाले चित्र बनाए थे जामिनी रॉय जी ने। रॉय के प्रारंभिक रचनाओं में प्लाउमैन, एट सानमेंट, प्रेयर, वैनगा तथा सेल्स पोर्ट्रेट विद वैन डाइक बियर्ड शामिल हैं। दोस्तों जामिनी रॉय की प्रारंभिक रचनाओं में प्लाउमैन, एट प्रेयर, वैनगा तथा सेल्स पोर्ट्रेट विद वैन डाइक बियर्ड शामिल हैं। लेकिन 1934 साल की उम्र में रॉय के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। 1921 में 34 साल की उम्र में जामिनी रॉय के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। इस समय लोक चित्रकारी शुरू की थी उन्होंने। वर्ष 1919 से 1920 ईस्वी के आसपास जामिनी रॉय ने लोगों के पोर्ट्रेट चित्र बनाने बंद कर दिए थे। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने संथाल महिलाओं के कई चित्र बनाए थे। महिलाएं ग्रामीण माहौल में रोजमर्रा के कार्य करती दिखाई देती हैं। महिलाएं ग्रामीण माहौल में रोजमर्रा के जो कामकाज होते हैं वो करती हुई दिखाई दे रही हैं इनके चित्रों में, जैसे कि खाना बनाते हुए, धान कूटते हुए, पानी भरते हुए, ऐसे चित्र जामिनी रॉय ने बनाए थे। दोस्तों 1925 के आसपास इनके चित्रों में लेखन शैली जैसी रेखाएं उभर कर आने लगी थीं, जिससे पता चलता है कि कूची पर इनका कितना नियंत्रण था। साधारण ग्रामीण लोगों के चित्र बनाए थे जामिनी रॉय ने। साधारण ग्रामीण लोगों के चित्र बनाए थे, कृष्ण लीला के चित्र बनाए थे, महान ग्रंथों के दृश्यों को बनाया था, ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी कथाओं के चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, सच्चे भारतीय कलाकार। ये सच्चे भारतीय कलाकार के रूप में जाने जाते थे। फ्रांसीसी कलाकार समीक्षक ए हर्वो मेस्था ने महान चित्रकार हेनरी मातिस से इनकी तुलना की गई थी। महात्मा गांधी ने राष्ट्रवादी कलाकार के रूप में इन्हें बताया है। महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा है जामिनी रॉय को। प्रदर्शनी एवं सम्मान। जामिनी रॉय के चित्रों की प्रदर्शनी एवं सम्मान क्या क्या मिले, इनके बारे में हम बात करेंगे। रॉय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1950 में ACA गैलरी न्यूयॉर्क में लगी थी। जामिनी रॉय के चित्रों की एकल प्रदर्शनी 1950 में ACA गैलरी न्यूयॉर्क में लगी हुई थी।
सन 1955 में जामिनी रॉय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सन 1955 में जामिनी रॉय को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है भारत सरकार द्वारा। 1935 में वायसराय का स्वर्ण पदक मिला था। जामिनी रॉय को 1935 में वायसराय का स्वर्ण पदक भी मिला हुआ है। दिल्ली में इन्होंने शिल्प की स्थापना की है। चौबीस अप्रैल 1972 ईस्वी को कोलकाता में इनका निधन हो गया था। जामिनी रॉय का 24 अप्रैल 1972 ईस्वी में कोलकाता में इनका निधन हो गया था। इनकी कलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, इनके बारे में अब हम बात करेंगे। मदर एंड चाइल्ड, ये बहुत फेमस हुआ करती है इनकी कलाकृतियाँ लोक चित्रण में। ढोलक वादन, दोस्तों ये उनकी पेंटिंग है मदर एंड चाइल्ड, जो कि बहुत ही फेमस हुआ करती है। ये एक चित्र है इनका ढोलक वादन, ये लोक चित्र है ढोलक वादन। संथाल स्त्रियां, भेंट, सीता परीक्षा, टैगोर और बापू, जुजारी ने, रथ यात्रा, घोड़ा गाड़ी, माँ और शिशु, ये इनकी कलाकृतियां हैं। और कुछ मछली दबाए हुए, एक बिल्ली, एक बछड़ी, केकड़ा, एक लोमड़ी, एक मछली का चित्र है, केकड़ा, एक लोमड़ी का चित्र है, तीन योद्धा, घोड़ा गाड़ी, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं। ये दोस्तों ये चित्र है मछली दबाए हुए, एक बिल्ली का चित्र। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जल्द ही मिलेंगे नए भारतीय चित्रकार के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करके। तब तक के लिए धन्यवाद।